हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। टाइम घर के लिए भी देना पड़ता है, तो इसलिए आज सुबह का काम तो घर पे हो गया है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी घर पे करने के लिए, वो भी हो गया है। थोड़ा बहुत काम काज हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है। फिर उसके बाद अभी है जेस्पर को नहलाने के लिए लेके गया है मेरा बेटा। हफ्ते में 2 दिन नहलाते हैं जब जेस्पर को, तो आज जेस्पर का नहाने का दिन है। नहाने के लिए वो भाग जाता है, बाथरूम में ले जाते हैं तो वो एकदम भाग के आ जाता है। और उसके बाद मैं जाती हूँ छत में और थोड़ा पौधों को बहुत दिनों से नहीं देखा है। बारिश, सुबह से बारिश आ रही है। बारिश आजकल मौसम थोड़ा सही हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश आ जा रही है। 1-2 दिन छोड़ के बारिश आ जा रही है, तो चलते हैं छत में। और फिर जाना है, मैंने थोड़ा सिलाई वगैरह, मैंने ब्लाउज वगैरह सूट वगैरह देने हैं सिलाई के लिए, तो सिलाई के लिए देने के लिए जाऊँगी आज। और फिर आने के बाद खाना बनाएंगे। और कहाँ जाती हूँ थोड़ा सी वो भी आपको दिखाती हूँ। ओके, तो चलते हैं छत में। मैं आ रही हूँ छत में, ये ऊपर चढ़ गई हूँ सीढ़ियों से। छत में वो हमारी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पर तो बहुत अच्छा, आज सब बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए मौसम अच्छा हो गया। अभी मैंने तंगी भी नहीं करी है। ये हमारा गार्डन, ये देखो इसमें तो नींबू का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, और इसमें नींबू नहीं आ रहे। क्या कर रहे हैं इसमें? और यहाँ पर ये देखिए, मैंने ऐसे कर दिया है इधर ही। इनमें बैगन लगे हुए हैं, इसमें मैंने बैगन बांध दिए गिलहरी की वजह से। ये देखिए बड़ा सा बैगन हो रखा है, एक बैगन ये भी हो रखा है, इससे बड़ा ये और रखा। मैंने अभी दिखाऊंगी नहीं है क्योंकि बांध रखा मैंने, गिलहरी खा जा रही है इसलिए। ये देखिए खीरा, ये देखिए खीरा लग गया है इसमें। 2 खीरे निकाल दिए थे मैंने और एक ही फिर से लग गया है। और भी हैं शायद, ये भी मैंने आज ही देखा है। इधर इनमें फूल वगैरह लग रहे हैं। देखिए ये मैंने, ये देखिए हल्दी, देखो कितना बड़ा हो गया है हल्दी। इसमें मैंने पूरा, इसमें ये थैला था, ये तो ये थैला प्लास्टिक का जैसा थैला है, तो मैंने ये कटिंग कर दिया। इसमें टांगने वाला था ये, तो इसमें डाल दिया, तो इसमें खूब पौधा अच्छा हो गया। ये हल्दी का पौधा है ये। और ये ग्रो बैग जो मंगाया था मैंने, आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है, ग्रो बैग में ही मैंने ये सब डाल दिए थे इसमें, ये इसलिए ये बहुत फैल गया। और यहाँ पे इनके, हमारे यहाँ पे काम चल रहा था, ये टैंकियाँ वगैरह जब बोला था ना, ये सारी टूट गई थी, गिर गया था, बिम टूट गया था, रिपेयरिंग वगैरह करी इन्होंने, तो टैंकी हटाई थी, फूट गई थी, तो दो ये एक आधा टैंकी का टुकड़ा मैंने भी ले लिया, इसमें डाल दिया। अब इसमें मिट्टी वगैरह होएगी जब, इसमें और ये सब पौधे वगैरह जब साफ करती हूँ तो इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें मिट्टी वगैरह डालेंगे तो फिर इसको भी इसमें कुछ बोएंगे। और ये है ग्रो बैग। अब जब से जो है ये गेट लगाया है, तब से नीचे जो डॉगी ऊपर आके सारा तोड़ देता था, यहाँ पे सब नुकसान कर देता था, वो नहीं कर रहा है, तो ये मेरे फिर से जो है यहाँ पे अरबी वगैरह इसमें को फिर होने लग गए हैं। ये पूरे तो नुकसान कर दे रहा था वो बहुत। ये देखिए तुलसी कितनी अच्छी हो रखी है, ये आम का पेड़ है, ये पौधा कितना बड़ा हो गया, छोटा था बहुत बड़ा हो गया। तो ठीक ही है, ये इतना गार्डनिंग का अच्छा लगता है सुबह आके। ये देखिए ये पौधा मेरा टूट गया था, बिल्कुल थोड़ा सा हो गया था, ये बड़ा हो गया। एक कड़ी पत्ता तो किसी को चाहिए तो ले जा सकते हैं, बहुत सारे कड़ी पत्ता हो गया इसमें। यहाँ पे भी देखो ये
हल्दी कप और अरबी और हल्दी हो रही है इसमें, ये बड़ा गमले में डाल रखा है। ये है मेरा, ये मनी प्लांट है, ये देखिए मनी प्लांट है, इस टाइप के मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत थे पर आजकल ये सब ऐसे हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हो गए थे, सब कटिंग करके पुराने वाले फेंक दिए, तो ये नए ऐसे फिर से उग रहे हैं। ये है मेरा गार्डन, फूल वूल हो जाते हैं पूजा में डालने के लिए, और क्या चाहिए हमें, फूल वगैरह अच्छे लगते हैं, थोड़ा सुबह पूजा वगैरह होती है। आजकल ये गुलाब में भी बहुत अच्छे से फूल आ रखे थे, कल ही मैंने तोड़ दिए हैं, ये फिर तोड़ दिए, इसमें पिंक कलर अलग अलग कलर के गुलाब आ रहे हैं। सो गाइस यही है मेरा गार्डन, ये देखें दूर से देखो, ये पूरा ये हमारे, मैंने इसे चारों तरफ भी लगा रखा है, और ये ऐसे ये यहाँ तक है मेरा छत, हमारी बड़ी है, और यहाँ पे भी रख दी है मैंने थोड़ा, इसमें भी ये केले के पौधा है। ये अजवाइन का पौधा है, इसमें अजवाइन की खुशबू बड़ी अच्छी आती है, इसमें अजवाइन का ही बोल देते हैं। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा गार्डन? जाऊंगी नीचे, करेले ले आई मैं आज तोड़ के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। अभी आई हूँ मैं किट्टी पार्टी में, है इनका घर, यहाँ हो रही है पार्टी, यहाँ हो रही है पार्टी, दिखाती हूँ आपको। हम आ गए हैं कमिटी में, ये देखो अभी पहुंच रही हूँ मैं, और मैं पहुंची हूँ लेट, ये यहाँ पे खाने पे लगे हुए हैं। इनके एक बात सुनो, हाँ अब बताओ बताओ, एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट बात है। हाँ कौन सी बात है बताओ? यही यूट्यूब में सब आएंगे, सब आएंगे यूट्यूब में, सब आएंगे देखो, लेकिन जिनके घर में हो रखा है वो नहीं आए अभी, वो अंदर काम में लगी हुई है। काम पे कहाँ लगी हो भाई? चलो हमने किया यहाँ पे एंजॉय, पर्ची खुली है इन लोगों की, मीठा खा, ये देखिए इनकी पर्ची खुली है, तो उन्होंने मिठाई मेरे को सर्व की है, ये देखिए है ना, तो पहले ही से मिठाई दे दी ताकि बाद में खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कि इनकी खुलेगी, देखो मिठाई को देखते ही जो है पर्ची खुल गई। और शोभा को कर रहे हैं हम लोग मिस, है ना, शोभा की कमी हो रही है, सही बात है, शोभा का इंतजार कर रहे थे, नेक्स्ट बार में हम लोग शोभा के साथ आएंगे इनके घर में, ठीक है, हम दोनों आएंगे तुम्हारे घर। ओके इनके घर आज पहली बार, मैंने इमेजिन, मैं तो यहाँ तो आती रहती थी, वैसे यहाँ आती रहती थी पहले, आज मैं आई हूँ बहुत सालों के बाद, 5-6 साल के बाद आई हूँ, इधर रहते हैं तो उनके घर भी जाएंगे, मैं दीदी रहती है नीचे इनके, तो मैंने उनको बोला था मैं आपके घर आऊंगी, तो मिलेंगे, हाँ निवेदन देगी जी, और उनके घर मिलते हैं, और इनके घर थी किट्टी पार्टी, और इन्हीं की जो है पर्ची खुली है इस बार, तो पार्टी हो गई इनके घर में। ये ऑफिस में स्पोर्ट्स डे, देखो ऑफिस के लिए रेडी हो गए, तो आ गए हमारे हस्बैंड 5:30 बजे करीबन, आज लेट इसलिए आए क्योंकि उनके वहाँ था स्पोर्ट्स डे, और चलो बताते हैं क्या लेके आए हैं स्पोर्ट्स के में। जीत के लाए हैं आज प्राइस, 2 बेडशीट, डबल बेड की बेडशीट है, क्वालिटी वाली है, अच्छी वाली है, आज इनके स्पोर्ट्स डे था, आज स्पोर्ट्स डे था तो जीत के आए हैं। कौन कौन सा प्राइस जीत के आए? फर्स्ट प्राइस दो, दोनों किस किस चीज में है? एक क्रिकेट में है और एक टैगो आज में, तो दो मेड है लेके, ये भी मिला ऑफिस से, ऑफिस में था इनका, तो ऑफिस के ये इसमें ऑफिस
ऑफिस से ये एक टी शर्ट और एक कैप और टी शर्ट, इन्होंने ये तो खुद ही पहन के गए हुए थे इसलिए जो है इन्होंने चेंज नहीं करा है, तो इसलिए स्पोर्ट्स डे मनाया गया बड़े अच्छी तरह से। दिन में खाना पीना वही था, दिन में लंच वगैरह वही था, ऑफिस की तरफ से था। और ये आज पार्टी, आज रात को अभी 9 बज रहे हैं तो सब पार्टी के लिए जो है ये सारा ये पार्टी का सामान मंगा दिया है और हम घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दे रही है पार्टी हमारी कृति, हमको स्पेशल स्पेशल पार्टी है, सरप्राइज, इसके पीछे सरप्राइज है। वैरायटी इडली सांभर और ये क्या डोसा सब हमने खोल दिया, अब हम खाते हैं। और कृति दे रही है पार्टी और बताएगी कृति थोड़ी देर में कि किस खुशी में दे रही है कृति पार्टी है। ओके गाइस बने रहिए मेरे वीडियो में। मेरा सूट से मंगा रखा है सब, और ये यहाँ पे लस्सी भी मंगाई है, लस्सी यहाँ का खा लिया पी लिया, ये अभी पैक है। या पैक पैक पर पहले उछल रहा है, सबसे पहले जा रहा है ये कृति के साथ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया कृति का पैक पैक। कृति यस, ये तो पैकिंग हो गई है पूरी, बस रेडी yes. और जसवर को भी ले जा रही है? नो no. जसवर वो भाग रहा है, उसको हो रहा है कि मेरे को अकेले छोड़ के तो नहीं जा रहे, पहले जा रहे है, उसको दौड़ 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 लगा रखी है उसने, ले ये बाहर जा रहे है, बाहर को पहले ही चाल ले जा रहा है। सरप्राइज दे तो कीर्ति। Yes, people, I'm going to Sweden. Oh, wow! इसलिए कृति खुश है क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जा रही है ना? Yes, bye. चलो कैब आने वाली है, कृति का बैग पैक हो गया है और कृति जा रही है। ओ तेरे का ये तो बात भी नहीं करने दे रहा है बिल्कुल भी। आवाज लगा इसको जसपर, जसपर आप देख लिया जसपर, देख रहे हैं यहां से जसपर।